नेक्स्ट टॉपिक मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. ठीक है, एज अ होल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन 6 मार्क्स में. ठीक है, और पर्टिकुलर एक ही कोई भी एक ऑब्जेक्टिव को वहां पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है. ठीक है, बेसिकली ओनली 6 मार्क्स. बस क्या होता है 6 मार्क्स, मजाक समझ रहे हो? हाँ, 6 मार्क्स अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज है. इवन 0.25, एक नंबर जब कम होता है ना तो वो भी आपकी जो है आपकी जो परसेंटेज है उसमें चेंज कर देता है. ठीक है, जहां पे लिखा हुआ है 60% का ही बच्चा जो है इस फॉर्म में अप्लाई करेगा, इस पोस्ट में अप्लाई करेगा, वहां पे 59 को नहीं लिया जाता है. शायद आपको पता नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने अभी कंपटीशन फेस ही नहीं करा है और ना हम कंपटीशन जैसी चीज को जानते हैं. ये हमारा ड्रॉबैक है. ठीक है, यस कम कम टू द टॉपिक. गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट क्या करेगी? प्रिपेयर द गवर्नमेंट बजट. बजट ऐसा होना चाहिए सिंपली, हम अगर यहाँ पे बजट की बात करें, पहले हम अपने घर से फॉलो करते हैं. हमने देखा कि हमारी मंथली इनकम इतनी आ रही है तो हमें इस बार इस समय कौन से खर्चे करने हैं, कहाँ पे हमें कितना पैसा खर्च करना है, ठीक है, कितना डिवोट करना है, कहाँ पे हमने जो है वो सेविंग्स के लिए यूज करना है, ठीक है, कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे एक्सपेंडिचर होना चाहिए, ठीक है, क्या एसेंशियल है. तो यहाँ पर एज एन एसेंशियल गुड्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का भी मेन क्या होता है, एक उद्देश्य होता है कि किस तरीके से आप गवर्नमेंट क्या कर रही है यहाँ पर. वो यहाँ पर ये नहीं देख रही है कि कौन किस रिलीजन का है, या वो ये नहीं देख रही है कि आपका जो है यहाँ पर कौन आपका जो है यहाँ पर किसके लिए अवेलेबल है सारी चीजें. तो वो बैलेंस करके चलती है उनके लिए. क्या है, सबके सब पूरे नेशन में सब लोग जो है वो इक्वल है. तो जो रिच एंड पुअर जो इनइक्वलिटीज है उसको इक्वल करने की कोशिश की जाती है. जो आपके बहुत ज्यादा बैकवर्ड रीजन है उसको यहाँ पर इक्वलाइजेशन करने की कोशिश की जाती है ताकि सब लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके. ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक बजट यहाँ पर प्रिपेयर करती है. यहाँ पर एज अ नेशन के लिए एक जो बजट तैयार होता है दैट इज गवर्नमेंट बजट. ठीक है, कहाँ पेश होता है, कहाँ अनाउंस होता है, कल बताया था आप लोगों को. यस डेफिनेटली इन पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में आज तक आपने देखा नहीं है क्या? हाँ, तो फिर आप लोग तो बिल्कुल ऐसे शुद्ध हो गए, बोल ही नहीं रहे. एक जना भी वो सोच सोच के बोल रहे हैं पार्लियामेंट बोलूं कि नहीं बोलूं. ठीक है, तो स्पेशली आपका फाइनेंस मिनिस्टर जो है इसको आपको वहां पे बताता है, अनाउंस करता है. ठीक है, ओके कम कम टू द टॉपिक. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. गवर्नमेंट प्रिपेयर करेगी गवर्नमेंट बजट. ठीक है, इसमें क्या होगा मेन, व्हाट इज द एम बिहाइंड. द मेन एम इज क्या है, इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल ली. इसको क्या है, इसको एक वे यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सबको इक्वली यहाँ पे हर चीज जो है वो प्रोवाइड करना. ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इसके अकॉर्डिंग देखते हैं. तो सबसे पहले आता है री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स में भी सिंगली पूछा जा रहा है. ठीक है, जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूं ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. अगर उससे रिलेटेड कुछ और भी आएगा तब भी वो इंटररिलेट कर रहा होगा. ठीक है, तो इसलिए ध्यान से सुनेंगे. जहां पे समझ में नहीं आएगा वहां पे आप पूछ सकते हैं. और उसके बाद जो क्लास में डिस्टर्ब करेगा मैं उसी से पूछूंगी क्वेश्चन, मैं उसी को सबसे पहले खड़ा कर दूंगी. ठीक है, कॉपीज आप लोगों की सबकी चेक हो चुकी है और आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों ने कॉपीज में क्या किया है. इसलिए मेरे को यहाँ पे बोलने का मौका मत दीजिए क्योंकि अगर मैं बोलूंगी तो फिर सारा टाइम पीरियड वहीं निकल जाएगा. ठीक है, और आप लोगों ने क्या करा हुआ है हम 8th पीरियड में डिस्कस करेंगे उसके बारे में. थ्रू द बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट एम्स टू रियलोकेट रिसोर्सेज इन अकॉर्डिंग विद द इकोनॉमिक. इकोनॉमिक मीन्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज वेल एज सोशल वेलफेयर. गवर्नमेंट कभी भी वर्क जब करती है, सीधे बैठे, गवर्नमेंट कभी भी वर्क करती है तो उसका मेन मोटो से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कभी भी नहीं होता है. हमेशा मेन मोटो जो होता है वो सोशल वेलफेयर ही होता है. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, रीलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. यहाँ पे क्या मेन आपका इकोनॉमिक एंड आपका सोशल दोनों ही चीजें यहाँ पे वर्क कर रही है. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमारे पास पॉइंट क्या होगा, गवर्नमेंट एम्स टू रेगुलेट रिसोर्सेज
in accordance with the economic and social priorities of the country. ठीक है, means rich and poor को दोनों को यहाँ पर follow कर रही है. How? Government influence allocation of resources. अब वो यहाँ देखेंगे, मतलब means क्या कह रही है, जो resources हैं उन पर वो follow कर रही है और किस तरह से उनको target कर रही है. तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं, tax concession means subsidies, जिसको हम छूट कहते हैं simply. ठीक है, क्या है टैक्स कंसेशन, यानी आपको यू हैव नॉट टू पे दी टैक्स, दैट इज टैक्स कंसेशन. मतलब आपको क्या कर दिया है, टैक्स कंसेशन आपको प्रोवाइड किया गया है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा वहां पे प्रोडक्शन हो, चाहे प्रोडक्शन में आपने हटा दिया, ठीक है, चाहे आपके पास कोई कमोडिटी है उसके रेट कम कर दिए हैं ताकि वो हर पर्सन अवेलेबल हो सब लोगों के लिए टू परचेज. ठीक है, क्या होगा, टू इंकरेज इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कैन गिव टैक्स कंसेशन सब्सिडीज टू द प्रोड्यूसर्स. जब प्रोड्यूसर्स को गवर्नमेंट क्या करेगी, जब वहां पे टैक्स कंसेशन या सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा. ठीक है, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगा. इससे क्या होगा, गवर्नमेंट डिस्करेजेस द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल कंजप्शन. साथ में ये भी देखना है कि वो फॉलो किसको कर रही है, जो अगर हम इसका एक दूसरा वर्ड यूज करें तो कौन सी एक्सटर्नलिटीज, फॉलो किसको करेगी, गुड पॉजिटिव को. ठीक है, और अनफॉलो करेंगी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को. हर एक चैप्टर कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होता है, कोई आपको ये नहीं कहता है कि आपने ये यहां पे क्यों लिख दिया, लेकिन रेलेवेंट होना चाहिए. ठीक है, तो यहां पर टैक्स कंसेशन कर रही है गवर्नमेंट किन चीजों पर, जो चीज एसेंशियल है, जो हमारे लिए जरूरी है. अल्कोहल हमारे लिए जरूरी नहीं है, अगर हमको नहीं मिलेगी तब भी जो है हमारा वक्त चलेगा, लेकिन अगर हमको फूड नहीं मिलेगा, अगर हमको खाना नहीं मिलेगा तो हाँ हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है. प्रॉपर सैनिटेशन नहीं मिलेगा, हाँ वो अनहाइजीनिक हो सकता है. ठीक है, प्रॉपरली जैसे हमने देखा कोरोना के टाइम पे सब लोगों को है यहाँ पर जो है वैक्सीनेशन हुआ, अगर प्रॉपरली वैक्सीनेशन नहीं होता तो हाँ तब हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो सकती थी. तो आपको यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल गए एक्सटर्नलिटीज के. ठीक है, ये आपको सोचना चाहिए कि हमने जो पुराना पढ़ा है वो किस तरह से कैसे कनेक्ट हो रहा है. और सबसे बड़ी बात, जब पढ़ाया जाता है तो एक रफ कॉपी लेके जरूर बैठे ताकि जो समझ में आता है उसमें लिखे. अगर आप सोच रहे हो अरे नहीं मुझे तो सब समझ में आ रहा है, आई एम द बेस्ट वन, तो ये बहुत बड़ी गलती है. हम भी कभी ऐसा नहीं करते हैं. ठीक है, कभी हम सेमिनार्स में जाते हैं, हम भी एक कॉपी लेके बैठते हैं और सुनते हैं, और जहां पे हम लगता है इंपॉर्टेंट है वो चीज हम लिखते रहते हैं. ध्यान उधर होता है, ये नहीं पता कैसा राइटिंग में लिखा है, लेकिन हम लिखते हैं फिर भी. ठीक है, तो यहां पे रिएलोकेशन में गवर्नमेंट ने इन्फ्लुएंस करा है, एक तो टैक्स कंसेशन वो क्या करिए, इंकरेज करिए इन्वेस्टमेंट को ताकि प्रोड्यूसर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करे, लेकिन किन कमोडिटीज का, जो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज फॉलो कर रही है. ठीक है, तो यहां पर वो हार्मफुल को ना करके वो क्या करेंगे, यहां पर जैसे जो हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, या फिर एज एन हमारे लिए एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी प्रोवाइड करने के लिए, वेलफेयर प्रोवाइड करने के लिए बेस्ट हो. तो जैसे हमने क्या कहा, खादी प्रोडक्ट्स को सब्सिडी प्रोवाइड कर दी. जैसे हमने सुना कि वहां पर जो है इतना रेट से इतना डिस्काउंट पेड किया जा रहा है. ठीक है, वो क्या है आपका, वो आपका सब्सिडी ही के रूप में आपको पेड किया जा रहा है. ठीक है, आपको ऑफर्स जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो उसी के व्याप में उसको रेट जो है वो कम कर दिए गए. ठीक है, तो ये हो गया आपका सब्सिडीज एंड टैक्स कंसेशन. ठीक है, देन डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, देयर आर मेनी प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज व्हिच आर नॉट अंडरटेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर, लाइक एज एन एग्जाम्पल वाटर सप्लाई, सैनिटेशन. ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं डिफेंस रिलेटेड, नेशनल डिफेंस. ठीक है, ये ऐसे सेक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट ने क्या करा है, अभी अपने पास ही रखे हैं, वो किसी को प्रॉपरली जो है वो प्राइवेटली अभी नहीं दिए गए हैं. क्यों, उसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि ये कुछ इस तरीके की चीजें हैं जो अगर वो दूसरे को देंगे तो कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं. ठीक है, इसीलिए हमें ये यहाँ पे ये कोशिश करनी है कि क्या हो, हर चीज क्या है आपको एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज आपको मिले. तो पब्लिक गुड्स कौन सी हो गई, इस तरह की जो चीजें हैं वो आपकी पब्लिक गुड्स के अंदर आ जाएगी. इस तरह की एक्टिविटीज जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, मेनली यहाँ पे रहेगा कि पब्लिक को क्या हो, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स हो. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. आपको अगर बताते था पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स, सिंपली पब्लिक गुड्स का मतलब है जैसे आपको पार्क्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आपको हॉस्पिटल्स प्रोवाइड किए गए हैं. ठीक है, अगर हम लोग जाते हैं किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के पास प्राइवेट में, तो हमको 1000 का जो है सिर्फ उसकी जो है प्रिस्क्रिप्शन की ही उसको फीस देनी पड़ती है, कंसल्टेंसी की फीस देनी पड़ती है.
बाकी जो मेडिसिन है वो अलग आएगी। बल्कि गवर्नमेंट ने क्या करा है, सिंपल सा आप एक पर्ची काटी है 13-15 रुपीज में, आपको जो है डॉक्टर भी आपको कंसल्ट कर रहा है, साथ में आपको मेडिसिन भी फ्री प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो ये क्या आपका पब्लिक गुड्स के अंदर आ गया। जैसे कोई भी रोड बनी है तो ऐसा नहीं बोल रहे कि रिच चलेगा या पुअर चलेगा, सबके सब उसमें जा रहे हैं। स्कूल वगैरह सारी फैसिलिटीज आपको इस तरह की हर चीज आपको जो दी जा रही है। ठीक है, तो इन द मेन जो होगा मेन पर्पज दैट इज मेन आपका जो एम होगा वो क्या होगा, सोशल वेलफेयर। जबकि प्राइवेट गुड्स क्या हो जाएंगे आपकी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जैसे आपका अपना कोई आपके पास जो व्हीकल्स वगैरह है, ठीक है, वो सब चीजें उसके अंदर फॉलो करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या था आपका, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर क्या आया वहां पर हमारे पास, आपके पास टू गुड्स आ गए, टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज हो गया, और सेकंड आपके पास डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स। ठीक है, बाय दी पब्लिक सेक्टर। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या हो गया आपको, वहां पर पब्लिक पार्क्स हो गए हैं, आपके पब्लिक हॉस्पिटल्स हो गए हैं, ठीक, गवर्नमेंट हॉस्पिटल लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए हैं। ठीक है, और पब्लिक और प्राइवेट में आई थिंक आप लोग इजीली वहां पे लिख ही सकते हैं एग्जांपल, है ना, ऐसा कुछ है नहीं। छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है, वो फॉलो नहीं होगा वैसे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। देन सेकेंड, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। ठीक है, अब क्या रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन किसमें, इनकम में। ठीक है, आप इनकम की बात कर रहे हैं एंड वेल्थ। इनकम इनइक्वालिटीज इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ एवरी इकोनॉमिक सिस्टम। गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस सच इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी। फिर से हमने कहा बजटरी पॉलिसी वो क्या कर रही है, इनकम इनइक्वालिटीज को रिड्यूस कर रही है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ने हैं, आज से पैराग्राफ लिखिए, चाहे आपने सब वो पॉइंट्स लिखिए विद एग्जांपल्स लीजिए, लेकिन यू हैव टू रीड दीज पॉइंट्स। ठीक है, पहले तो एज अ होल क्वेश्चन कंप्लीट करना ही करना है, लेकिन जो स्टार्टिंग में पॉइंट्स है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कैसे करेंगे, एम्स टू इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय इम्पोजिंग टैक्सेस। कौन से टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, है ना, और कहेंगे आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस भी फॉलो करेंगे। ठीक है, तो रिच एंड स्पेंडिंग मोर ऑन द वेलफेयर ऑफ दी पुअर। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने के लिए, कोई तो बहुत ज्यादा अर्न कर रहा है और कोई बहुत कम अर्न कर रहा है, तो ने क्या कर दिया, इनकम टैक्स यहाँ पे रख दिया, वेल्थ टैक्स यहाँ पे रख दिया, कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ पर रख दिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जैसे ही हमारी बहुत ज्यादा सैलरी इंक्रीज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको टैक्सेस पेड करने पड़ेंगे। समझ में आया, इनइक्वालिटीज क्या हो गई, रिड्यूस। ठीक है, रटना नहीं है, समझ के पढ़ोगे आप लिख सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि आप लोग बिल्कुल बेकार हो। ठीक है, बस आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप लोगों को पढ़ने का मन नहीं है, तो अपने आप को जरा चेंज कीजिए। ठीक है, पास होना बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, इतना ध्यान रखना। पास होना बहुत ईजी है, लेकिन 60%-70% स्कोर करना, उसके लिए भी आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इट विल रिड्यूस इनकम ऑफ द रिच एंड रेज स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर। जो एक बैरियर था उसको क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, अब यहां पर एक एग्जांपल यहां पे देखिए, यस, एक एग्जांपल यहां पे दिया एलपीजी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो एक मुझे अब तक ये समझ में नहीं आया है कि एलपीजी, अगर हम बात कर रहे हैं आपके बुक डेवलपमेंट की, तो आपको अभी तक समझ में क्यों नहीं आता है कि दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। और जब हम गैस की बात कर रहे हैं तब वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। यस, पेपर में लिखा हुआ है, बहुत बच्चों ने लिखा हुआ है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इससे बहुत नुकसान होता है, इससे ये एटमोसफेयर को खराब कर देती है। ठीक है, मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट पूछे थे डेवलपमेंट सेक्टर से। ओके क्लास, एग्जांपल यहां पे एग्जांपल है एलपीजी। एलपीजी कौन सी, जो हम घर में गैस सिलेंडर यूज करते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने कहा कि बहुत ज्यादा कॉस्टली है। गवर्नमेंट, यस, तो गवर्नमेंट ने कहा बहुत ज्यादा कॉस्टली है, लोग अवेलेबल नहीं हो पाएगा, हम लोग परचेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन
गैस के पैके आए तो भाई हम लोग खाना कैसे बनाएंगे, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, सब्सिडी प्रोवाइड की गई है यहाँ पर, ठीक है। तो समझ में आया, इनइक्विटीज का गवर्नमेंट ने क्या कहा, जो लोग पुअर है, दोज हु आर अनेबल टू परचेज द एलपीजी सिलेंडर्स, तो उनके लिए सब्सिडी प्रोवाइड की गई। जो लोगों को खाना मतलब राशन जो है प्रोवाइड नहीं हो रहा है, तो उनके राशन शॉप्स खोले गए ताकि राशन शॉप्स में इजीली जो है वो फूड है वो सस्ते दामों में प्रोवाइड किया जा सके, नॉमिनल रेट्स आपको प्रोवाइड किया जा सके, और आप जो है एटलीस्ट आपको जो है आप लोग अपने लिए मतलब आपको फूड वाली प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, इनइक्विटीज के एग्जाम्पल है। तो हाउ टू रिड्यूस इनइक्विटीज, तो कैसे होगा, बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज हो जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है, सब्सिडीज प्रोवाइड करके, या फिर बाय द हेल्प ऑफ टैक्सेशन पॉलिसीज, ठीक है। तो टैक्सेशन पॉलिसीज में आप क्या दिखेंगे कि रिच एंड पुअर करके आप वहां पे शो करेंगे कि रिच को क्या, दे हैव टू पे द टैक्स, एंड पुअर को क्या हो जाएगा, प्रोवाइडेड सब्सिडीज। समझ में आया, ठीक है। Then third, third point, economic stability. Stability से ही समझ में आ रहा है कि इधर एक जगह है तो वो stable है, अप एंड डाउन हो रहे हैं, fluctuations हो रहे हैं, ठीक है। अब तो fluctuations जो हो रहे हैं means inflation and deflation, उस fluctuations की हम बात कर रहे हैं जब economic की बात कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी कैसे लेकर आएंगे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मीन्स एब्सेंस ऑफ लार्ज स्केल फ्लक्चुएशंस इन प्राइसेस। जब आपके लार्ज प्राइस हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ्लक्चुएशंस क्या करेंगे, अनसर्टेनिटीज को यहां पर इंक्रीज करेंगे, और इससे क्या हो जाएगा, इससे इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन सिचुएशन इंक्रीज हो जाएगी। सुमित खाती बताएगा, यस सुमित, स्टेबिलिटी जितना अभी तक बताया है आपके अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, व्हाट डू यू मीन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और क्या फॉलो हो रहा है यहाँ पर, बस इतना ही बता दो कि स्टेबिलिटी जो है हम लोग अप एंड डाउन से हो रही है उसको हमने क्या कहा। नहीं बताया, एनीबडी एल्स, यस, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन से हो रहा है, ठीक है, वो फ्लक्चुएशन है, और किस तरह से हमें स्टेबल करना है वो आपको अभी बताया जाएगा, ठीक है। वैसे तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है एजी एंड एस, ठीक है, तो वही फ्लक्चुएशन जो स्टेबिलिटी है आपकी उसके अकॉर्डिंग वहां पर जो गवर्नमेंट रोल प्ले करती है, किस तरह से गवर्नमेंट वहां पर प्लान करती है, किस तरह से वहां पर अपनी जो है आपका जो फाइनेंशियल, आपका जो फाइनेंशियल सेक्टर्स है आपके, अगर बात करें आपकी यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज किस तरह से वर्क करती है, वही यहाँ पर जो है वो फॉलो होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है। तो इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज एमर्ज, एग्रीगेट डिमांड इज हायर एंड द एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा इन्फ्लेशनरी क्या बता रहा है कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, ग्रेटर हो गई है, और एग्रीगेट सप्लाई आपकी क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड इज हायर देन द एग्रीगेट सप्लाई, सिंपल आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में हमको स्टेबल करना है। अब ये पहली बात कर रहे हैं कि फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, हमने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में यहाँ पे फ्लक्चुएशंस देखी, फ्लक्चुएशंस का मेन मेजर्स क्या है, ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, और डिफ्लेशन क्या होता है, व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड। इतना तो हम आते ही ना, तो जब हमें आता है तो हमें बोलने में क्यों हम लोग मतलब डर रहे हैं, जो आप चीज आपको आती है बताइए ना, गलत होगा तभी तो हम सीखेंगे, तभी तो समझाया जाएगा आपको, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अब यहां पे क्या हुआ, गवर्नमेंट कैन ब्रिंग डाउन एग्रीगेट डिमांड बाय रिड्यूसिंग इट्स ओन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट क्या करेगी, जो अपने जो डिमांड्स है उनको रिड्यूस कर देगी, ठीक है। जितना भी एक्सपेंडिचर करिए, कहां एक्सपेंडिचर करिए, फ्लाईओवर बना रही है, ठीक है, हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा खर्च कर रही है, जैसे अब डिफेंस है वहां पे जो खर्च करेंगे, लेकिन उसको नहीं रोका जाएगा,
लेकिन क्या कर दिया जाएगा, थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया जाएगा, बिल्कुल क्लोज नहीं किया जाएगा। मेडिसिन है क्लोज नहीं किया जाएगा, जो एसेंशियल थिंग्स है, लेकिन जो अभी एसेंशियल नहीं है उन चीजों को रिड्यूस किया जाएगा। समझ में आई बात? तो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड में इन्फ्लेशन जब होता है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करेगी? देखो बहुत सिंपल लिखना है आप लोगों ने कि आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में क्या हो रहा है, एब्सेंस ऑफ लार्ज स्केल फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस। ठीक है, सिंपल। इन्फ्लेशनरी इट टेंड्स टू व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, एंड हाउ इट्स ब्रिंग डाउन बाय दी रिड्यूसिंग ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। खत्म हो गई बात। देन सेकंड, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन व्हाट हैपेंस व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा कि टैक्सेशन एंड सब्सिडीज, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगेन क्या हो जाएगा, एस्टैब्लिश हो जाएगा। एक चैप्टर, दो तीन चैप्टर को यहाँ पर फॉलो करना है। ठीक है, आपका चाहे मॉनेटरी पॉलिसीज है, चाहे आपका वो गवर्नमेंट बजट है, चाहे आपका वो बीओपी है, फॉरन एक्सचेंज आगे होगा। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों इंटरलिंक कर रहे हैं और हम एक टॉपिक को ही नहीं पढ़ पा रहे। ठीक है, इन शॉर्ट पॉलिसीज सरप्लस बजट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड डेफिसिट बजट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन मैनेज स्टेबिलिटी प्राइसेस इन द इकोनॉमी। इट्स क्लियर प्रॉब्लम? अभी तक तीन पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, आप लोग लिख सकते हैं सेल्फ।